जैसे कि फिल्म रिलीज होने वाली है फाइनली. Finally, I like that. हर इंटरव्यू में मुझे यही इसी से यू नो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ओपनिंग ये कि अब फिल्म शुरू रिलीज हो रही है फाइनली. तो जी फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग डिले होने के बाद जी जी. तो क्या फील हो रहा है, नर्वस एक्साइटेड है, क्या चल रहा है? देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत बहुत नर्वस हूँ और बहुत उतनी ही एक्साइटेड हूँ. एंड वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मीठा फल खाइए 16th को अब. ओके किरदार के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आप कैप्टन प्ले कर रही हैं माया का, जिस तरीके का माया का कैरेक्टर, उसके बारे में जानना चाहूँगा. कैप्टन माया सेमवाल एक लड़का है, शी इज़ अ बॉय अमंगस्ट द बॉयज. वो पूरा मिशन लीड कर रही हैं, सारे लड़के हैं पूरे जो ब्रिगेड में है, सारे लड़के हैं, ये अकेली लड़की है. बिल्कुल लड़की बना नहीं है, कुछ भी नहीं है लड़की बना इसमें. इनफैक्ट लीडर है, तो शी हैज़ टू बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर, मोर अलर्ट, मोर अजाइल. वो आँखों की पुतलियाँ भी, मतलब आई बॉल भी अगर यहाँ से यहाँ लेती है तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, सब चीज़ कैलकुलेट, उनके स्टेप्स कैलकुलेट होता है. मतलब अभी मैं यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे किसको गिरा दूँ, यू नो लाइक दैट. सो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिफरेंट, हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. ऐसा जो मैंने कभी ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं किया. इनफैक्ट कोई ऐसा कैरेक्टर भी नहीं है जिससे मैं इंस्पिरेशन ले सकती, बट मेहनत बहुत करी क्योंकि हम BSF सोल्जर्स के साथ, जवान्स के साथ शूट कर रहे थे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज को बहुत पढ़ा, उनसे सीखा, उनसे क्वेश्चन सवाल जवाब बहुत किए. बैठने का भी उनका ढंग, उठने का बैठने का भी बहुत अलग होता है, कितने सेकंड में उठना, कितने सेकंड में बैठना, राइट फ्रॉम एवरीथिंग, हाउ देयर लेग्स आर केप्ट, हाउ देयर हैंड्स आर, फिंगर्स कैसे होते हैं, हर एक चीज़ में इज़ कैलकुलेटेड, इज़ टॉट, इज़ लर्नड. तो सेट पर बहुत सीखा. पर्सनली भी यू नो देर वॉज अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, कि आप जब कैप्टन माया सेमवाल को देखें तो आपको ऐसा लगे कि ये फौजी लड़की है जो ड्रिल्स कर सकती है. आप अगर ये लड़की को कोई भी फौजी ड्रिल दे दो, ये कर देगी. तो मुशक्कत भी बहुत करी, तो सीखा बहुत कुछ. ओके हमने जैसे कि अभी आपको कमांडो में देखा, इस बार हम माया की कैरेक्टर में देख रहे हैं, सो कितना चैलेंजिंग था इस कैरेक्टर को अपनाना? सी कमांडो में जो सिमरत सरबजीत कौर मैंने प्ले किया था, वो तो भी एक नॉर्मल सी लड़की थी. डायलॉग्स लर्न किए थे एंड कैरेक्टर में घुसा था, आई हैड एंटर्ड बट टू अंडरस्टैंड सिमरत. बट कोई ऐसा कुछ ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं किया था. मेकअप था, हेयर था, गाने थे, घाघरा चोली पहना था, ऑल ऑफ दैट वॉज देयर. बट इन दिस ये तो लड़की ही नहीं, ये तो लड़कों के पैंट पहनती है, कैड शूज़ पहनती है, एक घड़ी होती है, वो भी वो मशीन वाली घड़ी होती है, बॉय जैकेट्स पहनती है और गन होता है इसके हाथ में. तो बोथ द कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी डाइवर्स, एक्सट्रीमली डिफरेंट. इनफैक्ट जो मैंने शॉर्ट फिल्म करी है आउच, उसमें भी आई प्ले अ गर्ल हु अ लेडी हु हैज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. तो ये तीनों कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं. एक नॉर्मल लड़की है 20-22 साल की जो गांव में रहती है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व वुमन है जो यू नो कंफ्यूज्ड है कि मैं फैमिली, मेरे फैमिली है, बच्चे, उनको त्याग दूं और अपने प्यार के पास जाऊं या उसको त्याग दूं. एंड दिस इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग गर्ल हु फाइट्स फॉर हर नेशन, जो सोचती है, कैलकुलेशन उसके माइंड में चल रहा होता है. सो All the characters are very different and very challenging. Okay, कितना lucky मानती हैं आप खुद को? नीरज जी के साथ में दोबारा काम करने का मौका मिला आपको, मनोज जी के साथ में दोबारा काम करने का मौका मिला after Ouch. जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इनफैक्ट जब क्योंकि मैंने इस रोल के लिए, कैरेक्टर के लिए कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया, कोई ऑडिशन नहीं दिया, और आउच के बाद इमिजिएटली सर ये फीचर फिल्म पर मूव हुए एंड आई वॉज कॉल्ड ऑन बोर्ड विदाउट एनी थिंग, नो स्क्रीन टेस्ट, नथिंग. तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ. ऑल्सो जब हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखी तो बाकायदा खूब तारीफ करी, बट द फैक्ट दैट ही कॉल्ड मी फॉर हिज नेक्स्ट इमीडिएट फिल्म विदाउट एन ऑडिशन, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. ओके नीरज जी के साथ में काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है. उन्होंने इतनी सारी हिट्स दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं, सो प्रेशर था कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस चीज़ का? खुशी थी क्योंकि आउच के टाइम पे प्रेशर था. अब उन्होंने मेरा पोटेंशियल देख लिया था, मेरा टैलेंट देख लिया था, तो अब उन पे मुझे ही हैड ट्रस्ट इन फेथ इन मी. उन्हें भरोसा था मेरे परफॉर्मेंस पे, मेरे पोटेंशियल पे, एक्ट पे, एक्शंस पे. तो प्रेशर नहीं था, बट आई वॉन्टेड टू नॉट लेट हिम डाउन. मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी कि मैं किसी भी तरह इन्हें निराश नहीं करूँ, इतना जो इन्होंने भरोसा किया है. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी टू हैव वर्क्ड विद हिम अगेन. ओके कैप्टन का रोल कर रही है, तो क्या क्या और क्या क्या अलग से तैयारी करनी पड़ी आपको? कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग ली है आपने उसके लिए? ट्रेनिंग तो ली क्योंकि जो जवानों के जो ट्रेनिंग्स होती है वो सुबह उठ के एक घंटा तो दौड़ लगाते हैं, फिर वो रोप क्लाइंबिंग करते हैं, लॉन्ग जंप्स करते हैं, एक हर्डल रेस होता है जिसमें रोप पे क्लाइंब करके जंप करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट आई डिड. रोज़ नहीं कर पाते थे बट
टेस्ट किया, मतलब यू न्यू हाउ टू डू इट. और बाकी जब बॉम्बे में शो वापस आते थे तो माई ट्रेनर हैड वो जैसे भाग मिल्खा भाग में वो टायर यू नो रोप करके आई डिड ऑल दैट. ज़रूरी था क्योंकि वो उससे बॉडी अलग दिखती है, वो बॉडी स्ट्रॉन्ग दिखती है, रगेड दिखती है. और कैप्टन माया को कैप्टन माया सेमवाल को वही लगना था, तो फॉर द कैरेक्टर वी नीडेड टू डू दैट एंड आई डिड दैट. शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया. जब आप यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद स्टॉलवर्ट्स इन द इंडस्ट्री लाइक नीरज पांडे, मनोज बाजपेयी, जो लोग उनकी मतलब जो एक्टिंग का पूरा करियर है उनका, इट्स अमेजिंग. इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क दैट दैट यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम. तो जब आप इन लोगों के साथ काम करते हैं तो आप एज एन एक्टर बहुत सीखते हैं इनसे कि ये लोग रोल कैसे अप्रोच करते हैं, हाउ डू दे थिंक अबाउट थिंग्स. तो सीखने को बहुत मिला और मस्ती भी होती थी. हम जब डिनर खाते थे, जब शूट हो जाता खत्म हो जाता था, मस्ती भी होती थी, बहुत बातें होती थी, जोक्स क्रैक करते थे, तो बहुत मज़ा आया. ओके, मनोज वाजपेयी, मनोज जी के साथ में कैसा एक्सपीरियंस था और सिद्धार्थ के साथ में कैसा एक्सपीरियंस था? मनोज सर के साथ क्योंकि आउच में काम किया था तो इट वॉज़ कंपेरेटिवली कम्फर्टेबल. आई न्यू हिम तो इट वॉज़ कम्फर्टेबल. सिद्धार्थ हम उम्र है तो बातें करते रहते थे, मस्ती करते रहते अबाउट दिल्ली, अबाउट बॉम्बे, अबाउट फूड, अबाउट एक्सरसाइजिंग, अबाउट मूवीज, तो बातें तो चलती रहती थी. कमांडो करी है ये, आईआरई आ रही है वो करी है, अगर दोनों में से बात करी है तो सबसे ज़्यादा आपके दिल की क्लोज कौन सी है? दोनों ही क्लोज है. मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपको राइट हाथ में पिंच करूँगा तो और लेफ्ट में भी करूँगा, आपको ज़्यादा दर्द किस में होगा? दोनों ही बहुत करीब है क्योंकि दोनों मैंने जिया है. कमांडो इज़ माई फर्स्ट फिल्म, इट वॉज अ डेब्यू फिल्म और आज 4 साल हो गए हैं उसके रिलीज़ को, बट कल कमांडो प्ले कर रहे थे टीवी पे, सो दे स्टिल प्ले इट ऑन टेलीविजन, पीपल स्टिल वॉच इट. सो मुझे बहुत खुशी होती है कि सिमरित को, कमांडो को आज भी इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, दैट दे स्टिल प्ले इट ऑन द टेलीविजन. सो दैट इज़ वेरी स्पेशल. एंड अय्यारे इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ विद अ डायरेक्टर आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क. इट इज़ अ कैरेक्टर जो एक एक्टर के जिंदगी में, लाइफ टाइम में ईजिली नहीं आता, बहुत ही कम आता है, स्पेशली फॉर अ गर्ल टू यू नो गेट सच अ परफॉर्मेंस. स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेड कैरेक्टर इज़ नॉट ईजी, तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी स्पेशल. ओके, सबसे ज़्यादा मुश्किल सीन कौन सा आपके लिए? जिसको करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा टफ था करना? ऑनेस्टली सारे ही जो सीन्स थे मुश्किल थे, आसान कोई नहीं था क्योंकि इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था. योर आइज़, योर बॉडी लैंग्वेज, योर डायलॉग्स, ऑल्सो द मतलब किस तरीके के टोन में आप डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि जो फौजी जवान होते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है, उनके आवाज़ में ठहराव होता है, एक कमांड होती है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल. तो राइट फ्रॉम आवाज़ का टोनैलिटी टू योर फिंगर मूवमेंट्स, योर आई मूवमेंट्स, एवरीथिंग. तो अगर इवन एक छोटा सेंटेंस होता था एक सीन में, बट वो भी बहुत कैलकुलेटेड होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी मेंटली जिन पे ध्यान रखना पड़ता था, तो आसान तो नहीं था. ओके, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल? सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे, डेफिनेटली फर्स्ट डे ऑफ शूट. एंड हम कश्मीर में फर्स्ट डे हमने शूट किया एक्चुअल BSF कैंप्स पे, जहाँ पे एक्चुअल सोल्जर्स थे और गन्स वन्स. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई लिफ्टेड गन्स विच वर रियली हैवी. मैंने मैगजीन्स चेंज कराए, वो लोग सब सिखा रहे थे एंड काफ़ी स्टडी स्टोरीज सुनी जवानों से, तो दैट वाज द मोस्ट स्पेशल डे. प्रैंक्स तो नहीं हुए बट हंसते रहते थे, मतलब बिकॉज इट अ सीरियस फिल्म, यू नो अगर प्रैंक्स तो वो थोड़ा डिविएट हो जाता है. सो इट द फ्लेवर ऑफ द मूवी वी डिडंट लूज इट, वी वर देयर इन द फिल्म इन द मूड, बट प्रैंक्स नहीं हुए बट द माहौल वॉज वेरी ईजी, नाइस, हैप्पी. ओके, जैसे कि सेट की आपने बात की तो मतलब कि बहुत ज़्यादा फन होता था, तो कितना आपके लिए कितना फन लगिंग था? मैं ऑनेस्टली फ़न से ज़्यादा सीखने के लिए देख रही थी. फ़न तो हम वैसे ही बाकी टाइम तो फ़न ही कर रहे होते हैं, बट जब आप नीरज सर और मनोज सर के साथ हो एक सेट पे, तब आप फ़न के बारे में नहीं सोचना चाहते. मैं तो ये सोच रही थी, अगर मैं सीन में नहीं भी होती थी तो भी मैं जाके वहाँ पे बैठती थी देखने के लिए कि हाउ दे अप्रोच द कैरेक्टर, हाउ दे अप्रोच द रोल, सीन कैसे ले रहे हैं, बिकॉज आई एम न्यू पर्सन एंड आई वॉन्ट लर्न अलॉट. ओके, कैसी देखती है आप ये जर्नी, अगर आपकी अगर बात करिए पूरी जर्नी की, या वहाँ से लेके यहाँ तक, मिस इंडिया से लेके यहाँ तक, तो कितना मुश्किल था ये आपके लिए? अगर जर्नी देखती हूँ तो ये नहीं देखती कि कितना मुश्किल था कितना आसान था, बट अगर ये देखूँ कि एक वो छोटी सी लड़की जो कॉलेज में थी जिसका सपना था मिस इंडिया जीतना, और फिर मिस इंडिया ईस्ट से मिस इंडिया, फिर मिस वर्ल्ड, फिर कमांडो, फिर आज, फिर तो अच्छा लगता है.
आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स बिन स्मूथ. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने एक साल में दो दो तीन तीन फिल्में करी है. मेरा वो सपना भी नहीं था कि मैं एक साल में तीन तीन चार चार फिल्में करूँ. एक साल में अगर मैं एक फिल्म करूँ बट ऐसी फिल्म का हिस्सा बनूँ जो अच्छी फिल्म हो, जो स्टोरी अच्छी हो, जो लोगों को पसंद आए, जो प्रेजेंट करने में मुझे अच्छा एंड प्राउड फील हो. सो आई हैव ट्राइड टू डू मोर दैट. सो आई फील गुड अबाउट इट. आई फील कि कुछ हद तक मैंने अपने आप को निराश नहीं किया है, एटलीस्ट अभी तक. ओके, जैसे कि हमने अभी तक आपको हर एक अलग अलग जॉनर में काम करते हुए देखा है, तो इस बार ऐसा कौन सा जॉनर है जो आईआरई के बाद में आप जो करना चाहेंगी? सब कुछ करना चाहूँगी. अभी तो शुरुआत है, अभी तो मतलब सारा जहाँ बाकी है, अभी तो बहुत करना है. आई जस्ट डोंट सी माई सेल्फ मे बी अ पार्ट ऑफ इरोटिक थ्रिलर्स. अदर देन दैट आई थिंक आई वॉन्ट टू रियली डू एवरीथिंग. ओके, और कौन से एक्टर के साथ में काम करना चाहेंगे? जैसे कि मनोज जी के साथ में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सिद्धार्थ के साथ में, विद्युत के साथ में, और कौन है जो आप जिनके साथ में आप काम करना चाहेंगे? अभी तो तीन चार लोगों के साथ, यू नो, अब वो कहते ना कि सारा देयर इज अ डायलॉग आई एम फॉरगेटिंग कि अभी तो पूरा सी बाकी है, अभी तो पूरा ओशन, पूरा सी, द सी इज देयर. वी हैव सच टैलेंटेड एक्टर्स इन आर इंडस्ट्री टुडे, राइट फ्रॉम वरुण द टाइगर टू रणबीर कपूर टू शाहरुख जी, एवरीबडी. तो अभी तो सारा जहान बाकी. ओके, बैटमैन भी ऐसे ही रिलीज हो चुकी है, आपने देखी बैटमैन? जी जी देखी. सो कितना बड़ा लॉस मानती हैं कि दोनों फिल्में अगर साथ में आती? ऑफ कोर्स डेफिनेटली लॉस तो होता ही, दोनों फिल्मों पे अफेक्ट होता, बट देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है. दे गॉट देयर सोलो रिलीज, वी आर कमिंग आउट ऑन द 16th. ओके, इसके अलावा और क्या आने वाला है अभी आपका? अभी तो मैं फोकस कर रही हूँ आईआरई पे, इसके बाद आई होप कुछ अच्छा आए जल्दी. ओके, और कुछ जो आपके फैंस से आप कुछ कहना चाहें? फैन से यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू, आप लोग ने मुझे कमांडो में, आउच भी आप सभी को बहुत पसंद आया, बहुत प्यार दिया है आपने, एंड उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है. सो आई होप दैट आप लोग माया, कैप्टन माया सेमवाल को भी उतना ही प्यार दें, एंड 16th फेब को जाके थिएटर में आईआरई देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.